चल देखता हूँ देखता हूँ। लेकिन ये रिकॉर्डर भी तो सही है। दो बंदे, दो या तीन बंदे। तो हेलो, वेलकम बैक गाइस। आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले के साथ। और इस गेम प्ले की बात करें तो डुओ भी स्क्वाड गेम प्ले है और हम कूदने जा रहे हैं भैया नोवो। तो पहले चलो गेम प्ले अभी मतलब कूदे नहीं हम, उससे पहले मेरे को ये बताओ, पहले जो आपने स्टार्टिंग में क्लच देखा भाई साहब, वो कैसा लगा यार? अगर अच्छा लगा है तो भाई स्टार्टिंग में बोलना से बनता नहीं, लेकिन फिर भी यार एक थम्सअप करे बिना मत जाना और कमेंट करके बताना भाई क्लच कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा या फिर थोड़ा अच्छा लगा, कैसा लगा भाई यू भी कर, जैसा भी लगा भाई बताना जरूर कमेंट करके भाई, ठीक है। तो भाई इस गेम प्ले की बात करें तो भाई ये गेम प्ले भाई ऐसा नहीं है कि भाई बोरिंग होने वाला, भाई जैसे आपने स्टार्टिंग में क्लच देखा भाई उसी की तरह भाई ये भी गेम प्ले पूरा का पूरा तहलके से भरा हुआ है। और बस आप देखते रहो और पूरे देखे हुए ना भाई कहीं मजा आना। और भाई पहली बार हमको कंटेनर्स के अंदर भैया गन मिल जाती है और एक बंदा भी स्पॉट हो जाता है। अब जहाँ मैं इसे नॉक करता हूँ, मैं इसे फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, तभी भाई इसका टीममेट आता है और भाई साहब मेरे पे करता है भैया बड़ी गंदे फायर। और भाई इन भाई का भी भाई बुरा हाल कि गन नहीं मिली। खैर अब भाई इन इन मतलब इस स्क्वाड के भाई तीन ने तो खैर हमने मतलब निपटा ही दिया था लगभग। अब जो बताया चौथा बंदा भाई वो भी हमें मिल जाता है, जहाँ हमें डीपी दिखती है उसको चौथा बंदा भी हमें इजीली दिख जाता है। अब डीपी तो देखो जाहिर सी बात है वैसे भी नहीं हिलती यार, तो अभी भी नहीं हिली। तो हमें यहाँ पे फ्लेयर गन मिलती है और हम यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप मंगाते हैं और भैया लूटते हैं इसमें से, क्योंकि देखो ओम तो अपने बस की है नहीं, अपना कॉम्बिनेशन बेस्ट है भैया M249 रख लो और रख लो M4। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं थोड़े और बंदों की तलाश में, तभी हमको बंद तो नहीं मिलते लेकिन एक ड्रॉप दिख जाता है, तो हम ड्रॉप लूटेंगे। और भाई तभी देखो ये
ड्रॉप लूटता था और सामने बंदे आ रहे धूम मचाले गाना गाते हुए। और भाई इनकी मतलब धूम मूवी फ्लॉप हो गई। तो भाई इनको पेलने के बाद अब हम स्कूल की तरफ जाएंगे भाई, जहाँ पे इनके बक्स बचे कुछ दो बंदे होंगे। M240 OP। तो भाई फिलहाल ये तुक्का लगाया था मैंने कि भाई इनके दो बंदे, क्योंकि भाई दो हमने मार दिए तो ऑब्वियसली बात दो ही बचे होंगे। तो फिलहाल हमारी गाड़ी में फ्यूल खत्म होता है, तो हम यहाँ पे गाड़ी चेंज कर दें। तब भी देखो भाई हमारे अपार्टमेंट की तरफ से भैया फायरिंग आते हैं, अबे और इस बंदे ने अपनी मौत बुला ली थी। मुझे पता कि तू चला रहा है। भाई इसने इतना इतने टैप टैप फायर मतलब कर देते कार 98 की, भाई हमको हो गया गुस्सा और हमने कर दिया इन पे डायरेक्ट अंधारस। और भाई ये भाई ना बहुत ही चालाक था। अब कैसे चालाक था मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कि देखो मैं जाता हूँ ऊपर, और तभी देखो मेरे को हल्की सी ना कूदने की वजह आती है, और कूद आप गया अभी तू देखो तो, ये बंदा कूद गया कहाँ तू कूद तो। रहा है। मतलब चालाकी रो हमसे, खैर जो भी था भाई इसे भी हमने भर दिया, और हम और निकल गए भाई और बंदों की तलाश में गाड़ी लेके अपनी भैया। ड्रॉप गिरा दिया और तूने तभी तो। आते हम भाई इनके इस रोजोक की पहाड़ी पे, और देखो भाई अब भाई यहाँ की जो फाइट है ना भाई, वो इस गेम की सबसे बड़ी और लंबी फाइट है। अब भाई कैसे है वो आप खुद देखो अपनी आंखों से। पहले हम यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकेंगे, और भैया पहले इस बंदे को पेलेंगे, क्योंकि एकता बंदा है यहाँ पे और बाकी किसके बंदे यहाँ पे थे नहीं, क्योंकि बाद में आते हैं और भाई उनसे हमारी फाइट बहुत ही गजब चलती है। पीछे चला गया इसका। भाई जहाँ हम इसे पेलते हैं और ये नॉक हुआ, तो हमें लगा खाया इसके बंदे भी आसपास होंगे, तो भाई हम यहाँ पे स्पॉट कर ही रहे थे। तभी देखो भाई सामने आती है भैया एक बगी और होते हैं दो बंदे। तो भाई पहले मेरे को लगा कि शायद ये इसी के बंदे टीममेट्स हैं, जो कि भाई बाद में आए बदला लेने के लिए तुम कि हमारे दोस्तों कैसे मारा क्यों मारा। तो भाई पर ये एक अलग स्क्वाड थी, ऐसा कुछ नहीं था भाई, इनके बंदे नहीं थे। और भाई यहाँ पे भाई जब मेरे को पता चला कि वहाँ पे एक और बगी आ गई, और अभी मैं कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे भाई तीन बंदे हैं कि चार बंदे हैं कि दो बंदे हैं, पर भाई थोड़ी देर में भाई सब पता चलने वाला है। एक नौ का किल आ गया मेरे को। पीछे तेरे भाई यहाँ पे मेरा शक दूर हो चुका था, क्योंकि मैं दो बंदे मैंने उनको नॉक कर दिए थे, और भाई साहब एक बंदा जो कि मैंने फिनिश कर दिया था ऑलरेडी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है अब मेरा शक दूर हो जाता था कि भाई ये अलग स्क्वाड एक। भाई पहले मेरे को लगा कि मैं भाई नहीं बच पाऊंगा, और मैंने यहाँ पे उम्मीद हार मान ली थी, मतलब कि मैं गया काम से, पर भाई जैसे याद आया मेरे को कि मैंने उसके दो नॉक कर रखे हैं, तो मैंने कहा सेफ शायद मैं बच जाऊँ। और भाई हमारे नंबर टू भी समझ जाए, देखो उनने भी कर दिया स्मोक। खैर यहाँ पे इनने खाम खा में गोली चलाई, क्योंकि मैं रिवाइव हो जाता, लेकिन भाई साहब पहली बार छूटा और ये दूसरी बार छूट जाऊँगा। दिया। अबे मतलब यार सबको क्या अथीना बात अभी कर बनना है, सबको खतरनाक वाली मोमेंट देनी है अभी, पर भाई कोई बात नहीं, तीसरी बार में आखिरकार हम रिवाइव हो जाएंगे और अपनी बढ़िया तरीके से हील करेंगे। पीछे भाग गई है। चल मैं जाऊँ अबे। अब भाई रिज का खेल खैर इतना ही है कि भाई आपको बस हल्की फुल्की रिजेस की गेम आनी चाहिए, जो कि भाई मेरे को यहाँ पे फ़ायदा दे जाती है थोड़ा बहुत। और भाई साहब ये बंदे प्रोन हो रखे थे, लेकिन कोई नहीं भाई M240 क्या अगर नहीं टिकोगे। अब मैं यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था कि मैं इसे देता हूँ भैया ओपन में रिवाइव, क्योंकि मेरे को लगा बंदा है तो रिस्क उस तरफ है, पर भाई तभी देखो वो पीछे आखरी 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 पीछे पूरा मतलब रिवाइव हो ही गया था भाई हमारा, लेकिन भाई साहब इस बंदे ने फाड़ दी मुझे। लेकिन कोई नहीं भाई M240 OP बाकी सब हाँ ठीक है समझ जाओ बस। जैसे ही भाई यहाँ पे निपटाने के बाद हम जाएंगे जोन की तरफ, और देखो भाई तभी हमें गाड़ी स्पॉट होती है। ही एक क्या अकेला बंदा था,
और हम इस पे भैया गाड़ी लगा देते हैं उनको पीछे पीछे। अब यहाँ पे अगर ये बंदा भाई सीधे गाड़ी मतलब से यू टर्न नहीं लेता तो इजीली बच जाता, पर भाई नहीं, बाइक की मौत आ जाती थी। अब जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं हमको एक बगी विस्फोट जाती है, और देखो भाई तो भाई इसका इस स्पॉट को भी सफाया हो गया। अब भाई हम अपनी M249 रिलोड करके भाई तुरंत यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि भाई हम बहुत ज़्यादा ओपन में थे। और तभी हमको यहाँ पे एक ड्रॉप स्पॉट आता है और नंबर 2 बोलता है भैया मेरे को हेलमेट वेस्ट चाहिए, तो हम लगाते हैं ड्रॉप पे। पर भाई साहब मानोगे नहीं, अगर आपको बस गिली मिल जाता है भाई तो बंदे कहीं भी लेट जाते हैं। मतलब मैं तो खैर नहीं लेटता, लेकिन भाई साहब मैं और बंदे की बात कर रहा हूँ। और मैं इस बंदे की बात कर रहा था, अब इसे मारते ही इसका टीममेट आ जाता है, तो भाई हम इसके टीममेट में भी भर देते हैं और तुरंत अपनी गाड़ी लेके भैया यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही थी साबित। अब हम अपनी गाड़ी लेके भाई प्रिजन की तरफ जाएंगे और भाई वहाँ से करेंगे थोड़े से बंदे स्पॉट। अब मैंने यहाँ पे गाड़ी इसलिए रोकी थी क्योंकि भैया सामने से आ रहे थे फायरिंग साउंड और हमको बंदे यहाँ पे स्पॉट जाते हैं जो कि टहल रहे होते हैं घर में। ऐसे मैंने बंदे को नॉक करा भैया, मैंने कहा चलो भाई बैठो, यही मौका है इस पर रश करने का, और थोड़ी सी अपनी बैंडेज बैंडेज करी और कर दिया इन पर अंधा रश। देखें जो अंधा रश वाला हिसाब किताब हमारे नंबर 2 समझ में नहीं आया, उन्होंने यहाँ पे गाड़ी लाके ठोक दिया। हमारा कहने का मतलब था सीधे भाई बिल्डिंग पर पुश करो। अब मेरे को हल्के से फुटस्टेप आए थे ऊपर की तरफ से, तो मैं पैरेज पर एक ग्रेनेड फेंकूंगा, भी कनेक्ट नहीं होने वाला बिल्कुल भी। और मैं दूसरा ही फेंकूंगा भाई, दूसरा ही वेस्ट ही आता है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। पर भाई इसमें आपको एक गजब का ओपी ग्रेनेड मैं आपको दिखाऊंगा, और टेंशन मत लो बस। इधर जहाँ मैं बेस बिल्डिंग में रश कर रहा था भाई, उधर हमारे नंबर 2 ने एक बंदा नॉक करके फिनिश भी कर दिया। अब यहाँ पे भाई बहुत देर से बंदा होल्ड करके बैठा था, और भाई देखो ये गंजे का ग्रेनेड, मतलब मेरा ग्रेनेड इतना कुक कर दिया था मैंने कि भाई बंदे को हिलने का मौका भी नहीं मिला होगा। अब इनका एक बंदा जो कि भाई पिंक हाउस में था, हम इसकी तरफ जाते हैं मारने के लिए, और भाई ये बहुत बड़ा कसम से भाई, मतलब क्या ही बोलूँ यार, होने वाला प्रो प्लेयर है। अब मैं इस बंदे से थोड़े मजे और भी लेता, लेकिन भैया जोन आ चुकी थी इसलिए हमने प्रेफर करा कि भैया पहले जोन पकड़ो। कोई नहीं भाई यार, मजे फिर किसी गेम में ले लेंगे। अब मैं जोन में आके भाई मैंने इस पत्थर पे गाड़ी रोकी कवर के लिए, अब पहले तो मेरे को यहाँ पे कोई नहीं दिखा, लेकिन भाई साहब तभी देखता हूँ नीचे एक बंदा सांप बना पड़ा है। अब मैंने पहले प्रोन डाउन होके देखा कि भाई क्या पता स्प्रे भाई बहुत ओपी जाता है प्रोन डाउन होके, लेकिन भाई कुछ स्पॉट ही नहीं रहा था, तो फिर भाई खड़े होके फिर करना पड़ा स्प्रे। लेकिन कोई नहीं, अब भाई जोन में सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे बचे हैं, और भाई साहब एक बंदा हमको इजीली दिखने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अभी सामने सामने रुक गया और लेट जाएगा बड़े प्यार से। अब मैंने भाई इस पे भाई तुरंत ही लूट गया मैंने भाई किल हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद भाई हमने डिसाइड करा कि भाई देख लो पहले पूरी जोन का चक्कर लगा ले, क्या पता बंदा कहीं पर लेटा बैठा ना हो। Enemies ahead.
अब जब भाई हमें पूरी जोन के चक्कर लगाने के बाद हमको बंदा स्पॉट नहीं होता है तो भाई सिर्फ सिर्फ एक बॉस और बचा था जो कि चेक करना बिल्कुल बनता था। और भाई किस्मत की बात है कि आखिरी बंदा भाई यहीं पे था। इतना घूम घूमने के बाद मुझे बोलते हैं ना बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, वही वाला साहब था। उसमें भी था कि बंदा भाई इसमें जाहिर सी बात है घर में ही होगा, हमने और इसमें चेक नहीं करा हमने। तो मैंने कुछ थ्रेबल्स फेंके जो कि भाई यार बिल्कुल बिल्कुल नाकाम होने वाले हैं। अब थ्रेबल नाकाम हुए तो मैंने कोई बात नहीं, हमारे पास गन है। तो भाई एक और प्यारा सा बिना बिना चिकन है। तो गाइस अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करें बिना भाई प्लीज़ मत जाना यार। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले हैव अ नाइस डे।